हेलो एवरीवन, हैप्पी होली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जब ये ब्लॉग जाएगा ना तो उस दिन होली होगी। तो इसलिए मैं पहले से ही आप लोगों को होली की विशेस दे रही हूँ, और होली वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। बस परसों के दिन आ जाएगा होली वाला ब्लॉग, तो कंटिन्यू आप लोग बने रहिए। तो यहाँ मैं मॉर्निंग का नाश्ता बना रही हूँ, फिर हमको निकलना है। मैं आज आप लोगों को अपनी जो मेरी रियल ससुराल है, पैतृक गांव, वहाँ लेकर चलूँगी। तो मैंने कहा जाने से पहले कुछ नाश्ता बना लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ मैंने नाश्ते में ना मटर का ये बनाया, पता नहीं क्या है ये, बोल के गई थी मामी की मटर की बना लेना नाश्ता, पर मैंने आज तक नहीं बनाया, ना बनाया जाता है हमारे यहाँ कभी नाश्ता ये मटर का। तो यही बना लिया था, और मुझे बनाना आया भी नहीं अच्छे से। वैसे तो हमारे यहाँ मटर आलू की सब्ज़ी ही बनती है। तो खा पी के निकल लिए, मुझे तो अच्छा नहीं लगा तो मैं छोड़ के आ गई थी, फिर निकल लिए और जा रहे हैं। बस रास्ते में हैं, रास्ता देख सकते हैं गांव का। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए, और वीडियो मैंने 2K स्पीड पे कर रखी है। तो बस पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा ज़्यादा दूर पर नहीं है। आज कई जगह घूमेंगे, तो सारे जितने लोगों के घर हैं ना, सब 10 से 15 मिनट की पहुँच जाएंगे, 10 से 15 मिनट की दूरी पर। तो यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी कर दी थी, और घर के ना अंदर काफ़ी ज़्यादा पतला रास्ता है। हम आ गए हैं अपनी रियल ससुराल, मतलब जो गांव में। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पर। बेटा पकड़ना पर्स है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई हूँ। देखो ससुराल में बना रही हूँ अपने चाय, ये है मेरा रियल ससुराल जहाँ दादी बाबा रहते थे। और जो हमारी बड़ी सासू माँ है वो गई है काम से, तो आती होंगी। तब तक हमने कहा ला हम ही चाय बना लेते हैं। ओ ट्रॉफी ना सर। अरे वाह, ये सब चाचू को मिली है ट्रॉफी, दिखा दो। एक और दिखाऊं? हाँ बस ना। हाँ खाना उन्हें खा लिया तुमने? हाँ अभी आई हूँ, मैं तो बनाई। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपने रियल ससुराल, ये है दादी बाबा का घर। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए और दिखाया भी जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद में हम लोग जा रहे हैं, पड़ोस में ही है, मम्मी जी के काफ़ी ज़्यादा जान पहचान है। तो मम्मी जी ने कहा था पापा जी ने कि ज़रूर हो आना उनके घर। और देख सकते हैं अभी घर ये सब टूटेगा, और इधर बन रहा है, इधर पक्का बन रहा है, इधर टूटेगा। ये मेरे पापा जी का घर है, मतलब मेरी जो रियल ससुराल है ये वो है। पापा जी का जन्म वगैरह यहीं बड़े, और जहाँ मैं रुकी हूँ अभी वो मम्मी जी की ननिहाल है। तो चलो चलते हैं, अब चलें फिर हम इसके बाद जाएंगे कुटी देखने के लिए, राम जी की कुटी, क्योंकि चित्रकूट में सब राम जी का ही है ना। हाँ तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ यहाँ कुटी में। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये पंडित जी। और आपको पहले मैं ये कुटी दिखाती हूँ। काफ़ी बड़े बड़े साधु संत हुआ करते थे, और बहुत ज़्यादा ये तपस्या करते थे और समाधि ले लेते थे, तो उन्हीं की ये कुटी बनाई गई है। ये सगवारा में ही है, और ये जितना ये चित्रकूट का एरिया है सारे राम के ऊपर है। राम ने वनवास काटा, अनसुईया माता, ये सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। मंदाकिनी देवी, गोदावरी, सब कुछ यहीं मिलेगा। और मतलब ये पूरा एरिया उनका ही है, राम भगवान का ही। तो यहाँ पर बताते हैं कि एक बार यहाँ पर भंडारा हुआ था, तो भंडारे में तेल कम पड़ गया था, तो पास में ही नदी है, उस नदी से पानी भर के ले आए थे, कढ़ाई में डाल दिए तो वो तेल बन गया था। तो ऐसे ऐसे पहले साधु संत हुआ करते थे, पहले क्या अभी भी हैं। आप हरिद्वार तरफ चले जाओ तो वहाँ ऐसे साधु हैं कि जो जल में समाधि लिए तपस्या करते हैं, अभी भी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अब नहीं होती, करने वाले अभी भी करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो मम्मी जी ने कहा था कि कुटिया के ज़रूर दर्शन वगैरह कर आना। जब से यहाँ आई हूँ बेर खाने का जोर ज़्यादा चढ़ गया। वैसे वहाँ भी रतलाम में मैं ले लेती थी बेर, जब दिखने आते थे बेर बहुत पसंद है। तोड़ लेंगे, देख तो बिरिया पे लदे पड़े हैं बेर। एक खा के देखो ना, सबरी खा के देख लो पहले बेर। ना, 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 इतने देर।
सबरी ने खाके देख लिया, कट्टे बोल दिया है। अब पोछ लूं, अब धो लूंगी कहां बढ़िया। बहुत बढ़िया महाराज की जय हो। छुआ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ पनीर दे तुमको, वेरी गुड। ना हटो बेटा, खड़ी हो जा, फोटो आ जाए। हाँ हट जाना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ, वेरी गुड। हाँ अंतर ध्यान होगी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स हम लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और ये जगह आ गई थी पहाड़ी, जो कि मम्मी जी हमेशा बातें करती थी, मैं आज तक नहीं आई थी, कि पहाड़ी सगबारा ये सब बातें करती रहती थी, बस मैं हाँ हाँ करती रहती। अब वो जब कभी भी बात करेंगी ना, तो कम से कम मुझे पता रहेगा कि कहाँ की बात कर रही हैं। तो ये नादी से पहाड़ी कुछ 10 मिनट की दूरी पर है और यहाँ पर मैं दुल्हन की तरह हो जाती थी जब भी धूल आती थी ना खूब, क्योंकि गाड़ी अगर बंद कर लो एसी चला तो मुझे सफोकेशन हो रही थी, तो जैसे ही धूल आती थी ना तो वैसे ही मैं पल्लू अपना नीचे कर लेती थी। और आप लोग जानती हो गांव की तरफ काफ़ी ज़्यादा धूल तो रहती है, मिट्टी। तो बस हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ मैं आई हूँ अपनी जो चाची सास हैं उनकी बहन के घर पर आई हूँ। और ये मौसी बहुत अच्छी हैं, कई बार रतलाम जा चुकी हैं, और मतलब मैं कह रही हूँ इनके जैसा तो मुझे कोई भी नहीं लगा। जितना ये मौसी प्यार करती हैं, इतना मतलब सम्मान रिस्पेक्ट जो ये देती हैं, मुझे लगा इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं मिला दूं भाभी से। अरे जैसे ही वीडियो स्टार्ट करी बर्तन गिरा दी। आओ भाभी आओ। अच्छा हाँ भाई, तो देख सकते हैं कितनी सुंदर भाभी हैं। तभी तो सुंदर सुंदर गुड़िया है। तो देख सकते हैं ये लास्ट घर है, अब इसके बाद हम सीधे जाएंगे मामी के घर, फिर सुबह हमको निकलना भी है। और एक रूम इधर भी है। गांव में बस यही खासियत होती है कि घर बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत अच्छा लगता है देख। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ क्या लगी, ये तुलसी मैया बीच आंगन में है और कितनी बढ़िया है। तो घर ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है मौसी का। तो चलो आपको बाहर दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ट्रैक्टर वगैरह खड़ा है। ये सब देख के पता है मुझे मेरी नानी घर की याद आ जाती है। और देख सकते हैं लिपा हुआ, अभी होली आ रही ना तो जिसके घर के सामने जाओ ना, जहाँ भी देखो ना ऐसे गोबर से लिपा हुआ ही मिलेगा आपको। और इधर फूल लगे हैं। और गांव में रह के अगर जानवर ना पालो तो फिर क्या किया फिर, क्योंकि गाँव में ही दूध घर का रहता है बढ़िया। और एक रूम इधर भी है, चलो इधर से ही बाहर चलते हैं। फिर मैं यहाँ पर रुकूँगी, मौसी बना रही है मेरे लिए गुजिया, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अरे मौसी क्या क्या रख दिया इसमें, इधर ला के दिखाओ तो जरा, देखो क्या क्या मौसी रख दी। ये मम्मी जी पपड़ी बनाती है, ये बेसन की ये रख दी रास्ते के लिए, और ये नमकीन मिक्सचर, और ये क्या गुजिया, और क्या इसमें, हाँ राम इधर भी भर दी हूँ मेरे। लग रही हम गलत आ गए है ना होली पे। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब जाने का वक्त आ चुका था। तो यहाँ मैं छोटे छोटे जैसे बच्चे रहते हैं तो उनको पैसे दे रही थी,
जाते वक्त, और बस उन्हीं को इधर की भाषा में बोला जाए तो विदाई, तो बस विदाई दे रही थी मैं उनको, और जाने का टाइम हो गया। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर ज़रूर करें जिससे आपकी अपनी गौरी बहुत आगे जाए। तो एक लाइक ज़रूर करना, और आप लोगों के इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट आते हैं, मैंने जितने भी जो मेरे दिल को टच कर जाते हैं ना कमेंट, उनका मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, और जल्दी मैं उन सारे लोगों के नाम लूँगी, और उन कमेंट्स से ना मेरा दिन बन जाता है वाकई में, मुझे मोटिवेट करते हैं आगे वो सब काम करने का। जैसे कुछ लोग हैं जिनको मेरी पूजा पाठ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है कि हर ब्लॉग में आप पूजा पाठ दिखाती हो, बस पूजा पूजा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मेरी पूजा के लिए ही ब्लॉग देखते हैं, तो मैं दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रही हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वाकई में आपके कमेंट आजकल इतने अच्छे आ रहे हैं, इतने अच्छे आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो चलो कल के ब्लॉग मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। बर्बाद कर दी वो हमें ना सुहा अब आऊंगी जब भी, तो यही है।